हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, मेरा ये मानना हमेशा कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके साथ हमें सक्सेस स्टोरी करनी चाहिए। पहली बात तो इनसे उन्हें अचीवमेंट का एहसास होता है कि आपने कुछ अचीव किया है। दूसरा, लाखों बच्चे जो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हेल्प मिल जाती है। मेरा एक सजेशन गाइस कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए हमेशा। दोस्तों, ये मेरा तीसरा पार्ट है और आज हमारे साथ हैं हारिश, हमारे साथ दोस्त, जिन्होंने इस रिसेंटली अभी ग्रामीण बैंक एग्जाम में सिलेक्शन लिया है। और दोस्तों, इन्हें मिला है क्लर्क का पोस्ट और ये अपॉइंट हुए मध्य प्रदेश में। दोस्तों गाइस, तो यहाँ पे हम जानेंगे हारिश के बारे में, क्या इनकी पूरी जर्नी रही है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है, सब कुछ बारे में जानेंगे। तो हारिश, पहले आपका स्वागत है हमारे इस क्लास में और आपको बहुत बहुत बधाई हो। फाइनली यू डिड इट, आपने अचीव थैंक यू कर लिया। सर। और आप मेरी क्लास में आते भी थे तो मुझे ये तो मालूम था कि आप अचीव कर लोगे, बट कब करोगे वो एक क्वेश्चन था। बट आपने उसका आंसर भी दे दिया कि आपने सेल एग्जाम क्वालिफाई कर। तो हरीश, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं इस समय, अपने बारे में कुछ बताइए उनको कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपकी जर्नी रही है, या फिर आपके पेरेंट्स फैमिली के बारे में प्लीज। सर माय नेम इज हरीश मीणा, ये तो सबको पता है। और मैं अलवर से हूँ बेसिकली, लेकिन अभी जयपुर रहता हूँ। जयपुर कॉलेज के लिए आया था, फिर इधर ही तैयारी कर रहा हूँ। और अभी मेरा रिसेंटली RRB क्लर्क निकला है। और इससे पहले भी एक दो दो एग्ज़ाम मेरे निकल चुके हैं। वैसे एक IDBI में हो गया था, एक SSC में हो गया था, और वो मैं अभी ज्वाइन नहीं कर रहा, उनका कुछ आया नहीं था, इस वजह से अभी कुछ था नहीं मतलब मेरे पास। तो मैं RRB का जब मेरा हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब जैसे कि सही में ही कुछ अचीव कर लिया है। हाँ तो आरिश, आपने SSC भी क्वालिफाई किया है, तो वही तो अचीवमेंट है आपका ना। सर, करा जरूर करा, मतलब वो उसका रिजल्ट लास्ट ईयर आ गया था नवंबर में तो, लेकिन अभी उसका कुछ प्रोसेस चालू नहीं हुआ, वो काफी धीरे चलता उधर, इस वजह से कुछ अभी नहीं था तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो आप कहाँ जाएंगे, क्या ज्वाइन करेंगे आप। सर। मैं तो बैंक में ही जाना चाहूंगा बिल्कुल। तो आरिश, आपने भी पढ़ाई क्या की थी, आपने पढ़ाई में। पढ़ाई में सर मैंने BA करा है, इधर जयपुर से ही करा है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से BA करा था बीए मैंने। लास्ट दो किया हजार आपने, इक्कीस अच्छा में ग्रेजुएशन हुआ था। यस सर। किया आपने। अच्छा, आप किस ब्रेक, क्या सब्जेक्ट आपके सारे सब्जेक्ट क्या है सर, क्या थे आपके, क्या पढ़ाई की आपने बीए में। अच्छा, मेरे पास सर पॉलिटिकल साइंस था और इकोनॉमिक्स था और इंग्लिश लिटरेचर था। तो नॉन बैक मैथ बैकग्राउंड से आप थे इसका मतलब। यस सर। तो कितना आपके लिए टफ पड़ा जब आप बैंक एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए, जहां पर मैथ का लेवल काफी अच्छा आता है, रीजनिंग भी साथ में है, इंग्लिश भी है, तो वो तो पढ़ाई आपने कभी की नहीं थी, तो कितना आपके लिए टफ यस पड़ा सर। और कितने जल्दी आपने इसे मतलब अचीव किया कि हाँ आपको, आप अच्छे हुए क्वांट में और रीजनिंग में इन सब में। सर देखो, शुरू में तो मेरे को मतलब कुछ भी नहीं बनता था मेरे से, ना रीजनिंग में बनता था ना अकाउंट में बनता था। इंग्लिश मेरा ठीक था शुरू से, उसमें मैं बना लेता था आराम से, लेकिन ये मतलब साल भर तो मेरे को इसी में लग गया कि कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं। फिर वो उस टाइम तो मेरा कोई पेपर नहीं निकलता था, फिर मैंने अकाउंट के लिए भी मतलब अरुण सर का बेसिक का कोर्स करा। शुरू में सारे बेसिक कोर्स करे मैंने, उससे भी मतलब अकाउंट में कुछ नहीं हुआ, अकाउंट में मेरे को आता नहीं था ज़्यादा, इस वजह से। बाकी रीजनिंग वगैरह में सही हो गया था, लेकिन अकाउंट में थोड़ा मेरे को ज़्यादा टाइम लगा, मतलब साल भर से भी ज़्यादा लग गया मेरे को प्रिपेयर करने में अकाउंट को, इस वजह से ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। अकाउंट में मतलब नंबर कम रह जाते हैं मेरे हर बार। ओके, मतलब क्वांट आपका वीक सेक्शन एक है, बिल्कुल बिल्कुल बट वीक क्या, आप तो फाइनली आपने अचीव कर ही लिया है, तो अभी अभी क्या और क्या स्ट्रॉन्ग। सर। सो गाइस, पहला मैसेज आप सबके लिए, अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तब भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हरीश इसके थोड़ा एग्जाम्पल दोस्तों। अच्छा यस हरीश, सर। अब हम बात करेंगे आपसे कि आपको बैंक एग्जाम में जाना है और आप बोल भी रहे हो कि आप जाना चाहोगे उसी में, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको। सर बैंक का मुझे हमेशा मतलब मेरे फादर से मिलता है हमेशा, वो मतलब उनको ही देख के मैं बैंक में इंटरेस्टेड हूँ। वो SBI में जॉब करते हैं, अच्छा, चीफ मैनेजर हैं अभी, जयपुर में ही है, और मतलब उन्हीं को देख के मैं बैंक की तरफ आया हूँ। वही मेरे मतलब मोटिवेशन है, वही मेन इस वजह से। तो पिताजी से सब कुछ आपको सीखने को मिल गया कि बैंक में जाना है, तो मोटिवेशन आपको है, अच्छी बात है, सही बात है। और आप अपनी यस तो यस सर। कहते हैं ना, उसे विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं आप अच्छी बात वो है। सर अच्छा हमारी फैमिली में मतलब काफी सारे बैंक में ही है, तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ।
इस साल आपने और भी कोई एग्जाम दिया है सर? सर इस साल मैंने SBI PO को छोड़ के सारे दिए थे। SBI आपके पिताजी एस भी बी आई मतलब में मेरा है? अच्छा, हुआ नहीं। हाँ हुआ नहीं। अच्छा, तो अभी रिजल्ट वो क्या है हुआ एस बी आई नहीं का है। अभी? अच्छा, नहीं सर वो प्री नहीं निकला मेरा उसमें। प्री में। अच्छा, मीन्स का ही बाकी है। अच्छा, ओके। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, बट आपका एस बी आई में हुआ नहीं। चलिए, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास और भी है अभी एस बी आई क्लर्क का, तो आप यस वहां सर भी जा बिल्कुल सकते हैं। ठीक है, तो सर। अरिश, मुझे बताइए आप एक चीज कि आपने कितने साल तैयारी की है, मतलब कितना टाइम लग गया आपको यहाँ तक पहुंचने में? सर मैंने स्टार्ट किया था मार्च 2021 में जब आपके शुरू में बैच ही आया था। हमने शायद उधर बैंक से पे ज्वाइन ही करा था उस टाइम पे। ओके मेरे ओके जैसे ध्यान है मतलब उसी टाइम पे मैंने बैच करा था। सेम मई से 3-4 महीने का बैच था। फिर जब से मैं कर ही रहा हूँ लेकिन मैं शुरू में इतना वो नहीं था, एक्टिव नहीं था, प्रैक्टिस वगैरह ज़्यादा नहीं करता था तो उस वजह से मेरा कुछ नहीं निकला उस साल तो बिल्कुल भी। लेकिन एक एग्ज़ाम निकल गया था उस टाइम मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में IBPS क्लर्क, लेकिन वो मेंस नहीं हुआ। फिर वो प्रिपरेशन नहीं थी ना उस लेवल की तो ठीक उस है। वजह से फिर वो भी नहीं निकला। फिर अगले साल मतलब 2022 में थोड़ा मैंने सही से करा प्रिपरेशन। जब भी मेरा तो मतलब लास्ट ईयर भी RR भी नहीं हुआ था, मेरा प्री भी नहीं हुआ था। 50 कुछ नंबर आए थे बस प्री में भी। और फिर मतलब बस लास्ट टाइम बस IBPS PO निकला था लेकिन वो भी मेंस में रह गया, मैथ में ही रह गया। वो भी मैथ में सेक्स में निकला। आप काफी लास्ट ईयर ऐसे ही रह पॉपुलर गए थे सब में। हैं, आप काफी पॉपुलर भी हैं अरे हमारी क्लासेस में, काफी लोग जानते हैं आपको। सर मैं भी थोड़े मजे लेता हूँ आपको आपका। ठीक है, वो सब तो हंसने खेलने की बात है। तो अरेश, आप मुझे सर आपने ही पॉपुलर तो आपकी हरकतें ऐसी थी कि आप पॉपुलर हो गए? नहीं, सब मजाक की बात है। तो अरेश, अब एक बात करा। करते हैं एक विद्यार्थी के तौर पर कि आपका प्री एग्जाम की डेट आ गई आपकी, तो आपके प्री एग्जाम में सर आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी? भाई देखो, वो सिंपल सी बात है, ग्रामीण बैंक का एक उसूल है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है और दो चीजें आती हैं, मैथ और रीजनिंग। आपने ऐसी क्या स्ट्रेटजी बनाई? बिकॉज मैथ्स में क्या है कि आप बोल लो मैथ्स आपकी वीक है, लेकिन IRB में कट ऑफ बहुत हाई आती है, तो आपको अच्छे टर्न तो करने ही पड़े होंगे, फॉर एग्जाम्पल, है ना? क्या स्टडी यस आपने सर। बनाई? कब से आपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया? कैसे, पूरा बताइए हमें। सर मॉक टेस्ट तो मैं जैसे नोटिफिकेशन आया था ना उसके अगले हफ्ते से ही मैंने मॉक टेस्ट चालू कर दिए थे। मतलब सारे मॉक टेस्ट दिए थे, दिन में 2 देता था कभी कभी 3 देता था। लेकिन मतलब मॉक मॉक से ही ज़्यादा कराया मैं। और क्वांट के लिए मतलब प्रैक्टिस PDF से ही करता था मैं थोड़ी बहुत जितना होता था। और रीजनिंग के लिए तो पुनीत सर की क्लास हमेशा बस वही करी और कुछ नहीं करा उसके अलावा, तो उससे बाहर कुछ आता ही नहीं है कभी। तो मतलब और आपने मतलब मॉक मैथ्स, से ही हो जाता है बेसिकली, सारा प्रैक्टिस वगैरह सब हो जाता है और फिर उधर जाके बस वही एग्ज़ाम में ही सही करना पड़ता है। मैं शायद 71 कुछ अटेम्प्ट करके आया था और फिर 69 कुछ आ गए थे मेरे तो हो गया था फिर उसमें। एक्यूरेसी काफी अपने मेंटेन की। यस सर एक्यूरेसी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ गलती नहीं कर सकता हूँ उसमें बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपने मतलब प्री एग्जाम से काफी पहले ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया था, और आपने बेसिकली मॉक टेस्ट ही यस फॉलो सर किया फॉर द क्वांट एंड द रीजनिंग के लिए, आपने पुनीत सर से पढ़ाई की आपने। ठीक है, तो प्री यस सर एग्जाम के जब हो गया आपका, खत्म हो गया, तो प्री एग्जाम के बाद होता है मेंस एग्जाम होता है, तो आपने रिजल्ट तक का वेट किया था कि आपने तुरंत ही मतलब मेंस पढ़ना शुरू कर दिया था, मेंस लेवल का? नहीं सर मेरे को उम्मीद थी इसमें मतलब कि हो जाएगा मेरे, तो मैं मतलब देते ही चालू कर दिया था दोबारा मेंस भी, तभी चालू कर दिया था रिजल्ट से पहले। तो एक बात मुझे बताइए कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझसे बोलते हैं कि तो अभी प्री पढ़ रहे हैं फिर मेंस के लेवल पढ़ेंगे, क्या ऐसा, कैसे स्टडी होती है? मतलब आपने क्या प्री मेंस की अलग से पढ़ाई की थी कि आपने एक ही पढ़ाई की थी? क्वेश्चन सिंपल थे, आपने माना कि ये प्री होगा, और जो टफ क्वेश्चन थे वो मेंस के लिए आप रखे थे, कैसे आप पढ़े आप? नहीं सर देखो मतलब लास्ट ईयर में तो उससे लास्ट ईयर से पहले तो मैं प्री प्री पढ़ता था, मेंस से कुछ मैंने पढ़ा नहीं था। फिर लास्ट ईयर मतलब मिड में आके मैंने मेंस भी चालू कर दिया था पहले ही, जो कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आए थे उससे पहले ही चालू कर दिया था मेंस, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है। उस वजह से फिर मतलब वो शुरू से ही लगाता गया, मेंस का भी क्वेश्चन लगाते गए, प्री के भी लगाते थे, वो हो गया प्रैक्टिस उधर से फिर। ठीक है, तो हरीश, आपने जो एग्जाम दिया, प्री का एग्जाम की बात हम कर रहे हैं, यस तो आपके एग्जाम में जो और भी सारे कैंडिडेट होते हैं, तो मतलब आपने 70 अटेम्प्ट किए थे, तो आपके सर आसपास जो लोग बैठे थे जो अटेम्प्ट कर रहे थे, तो आपने सुन के क्या मतलब सोचा कि मतलब और लोग क्या बोल रहे थे आपसे,
या आपने जो एक होता नहीं, एक होता है कि फोबिया हम पे हावी हो जाता है कि यार हमारा ही कम अटेम्प्ट हुआ ऐसा। तो ये जो बच्चे जाते हैं एग्जाम देने के लिए, एट द टाइम ऑफ एग्जाम जो दूसरे सुनते हैं सर, और फोबिया अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके लिए कैसे बचे बच्चे? ऐसा होता है जो मेरे साइड में बैठे थे ना, दो दो लड़कियां ही बैठी थी, तो वो बोले कि मेरा तो कम ही अटेम्प्ट हुआ है। मतलब एक तो 50 कुछ बता रहे थे, मतलब ऐसे बोल रहे थे कि सेकंड अटेम्प्ट था लेकिन हुआ नहीं उनका, मतलब बढ़िया अटेम्प्ट नहीं हुआ था। लेकिन वो क्या है, वो अपने माइंड को क्या डाइवर्ट कर लेते हैं एग्जाम से पहले ही थोड़ा सा। वो मतलब मैं जाता हूँ ना, जैसे अगर मैं जाता हूँ तो एग्जाम से थोड़ा देर पहले टाइम मिलता है ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। मतलब कई बार तो मैं सो भी गया था एक बार में, तो उससे क्या है माइंड रिलैक्स ही हो जाता है बिल्कुल, तो उससे फर्क पड़ता है फिर एग्जाम पे सर, रिलैक्स रहता है माइंड जब। ठीक है। अच्छा, ग्रामीण बैंक एग्जाम मैंने भी दिया तो। अच्छा, अब लोग बोलते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम काफी टफ होता है, लेकिन पर्सनली बताऊं तो ग्रामीण बैंक का एग्जाम भी काफी अच्छे लेवल का आता है, मेंस लेवल, है ना। मैं यस सर, यस। क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जैसे इस बार आपका IBPS PO मेंस हुआ, उसमें GA थोड़ी सिंपल आ गई थी देखा जाए तो, यस सर। लेकिन ग्रामीण बैंक में सारे सेक्शन टफ होते हैं। इवन अगर आप हिंदी भी ऑप्ट करते हैं तो हिंदी में भी आप ये बोल नहीं सकते कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, हिंदी आप पास ही कर जाओगे, ऐसे पेपर आते हैं। तो मैंने देखा ग्रामीण में चारों सेक्शन बहुत टफ होते हैं। आप मैथ्स की, आप GA की बात करिए भाई, आपके एग्जाम में एक नंबर कट ऑफ गई है बस। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आर्मी ऐसा होता है, अगर चार सेक्शन है चारों बड़े टफ होते हैं, प्लस कंप्यूटर्स में आता है अलग से आता है, वो भी अलग से पढ़िए आप, है ना। तो आपकी स्ट्रेटजी मेंस की क्या थी, क्योंकि आप बोल रहे हो कॉन्च का लेवल आपको उतना अच्छा नहीं था, फिर भी अगर आप एग्जाम पास होना तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। तो आपने क्वांट कैसे टकल किया, रीजनिंग कैसे किया, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपने दिया कैसे किया, GA कैसे किया और कंप्यूटर कैसे किया? सर देखिए, क्वांट के लिए तो मेरा ऐसा था कि मतलब बेसिकली कट ऑफ ही निकालना है मेरे को सेक्शनल उसका, क्योंकि मेरे को पता था उसमें ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो उस मतलब उससे कि उसकी वजह से मैंने वन लाइनर्स, मेंस के वन लाइनर्स और क्वाड्रेटिक और DI को ज़्यादा अटेम्प्ट करा था, क्योंकि कितना टाइम किया था DI मैथ्स बन जाती है अगर उसमें। क्या सर, में? कितना टाइम किया था आपने मैथ्स में? क्वेश्चन कितने किए थे मतलब? मैथ्स में मैंने सर 11 या 12 करे थे, इतने ही बने थे मेरे से। लास्ट में उसको अटेम्प्ट करा था मैंने मैथ्स को, क्योंकि ज्यादा टाइम मैं उसमें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में दे दिया था, उस वजह से स्ट्रैटेजी को। ठीक है, और रीजनिंग में तो मेरे मतलब सही अटेम्प्ट थे, मैं 35 करके आया था 40 में से, और बस दो या एक या दो ही गलत हुए थे मेरे, बाकी सब सही थे उसमें। और GA में तो सर, GA में आपके जैसे एकदम बढ़िया अटेम्प्ट होते हैं हमेशा ही GA में मेरे। मतलब मेरे को GA का ऐसा हो गया कि मतलब GA तो करनी ही करनी है हर हाल में, कैसे भी आ जाए। और फिर मेरे उसमें GA में भी शायद 22 23 कुछ नंबर आए हैं, 21 कुछ ऐसे हैं। ठीक और कंप्यूटर मेरा मतलब सर, कंप्यूटर ऐसा था कि मैं कभी बेसिकली वो पढ़ा नहीं, ऐसे पढ़ा नहीं हूँ कि कंप्यूटर मेन सब्जेक्ट की तरह। वो मेरा पहले से ही सही था कंप्यूटर में, बेसिक वगैरह से पहले से ही मेरे को पता था। तो एक बार मैंने मतलब क्वांट नंबर्स का बैच कर लिया था बीच में, मतलब मेन से पहले ही थोड़ा सा, तो उसमें भी मेरे सही नंबर आ गए थे, 30 आए थे आउट ऑफ 40। और इंग्लिश तो सर है ही बढ़िया, तो उसमें कर लिया इंग्लिश की, मतलब मैं क्लास वगैरह नहीं लेता कभी भी, उसकी खुद से कर लेता हूँ हमेशा। मैं GA की बात करूंगा थोड़ा सा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री एग्जाम के बाद GA करते हैं। जरा बच्चों को जी सर, बताइए कि GA का लेवल क्या होता है एग्जाम में वास्तव में, क्योंकि जो वेबसाइट्स होते हैं उसमें सेम क्वेश्चन तो पढ़े नहीं होते हैं, बच्चों को याद ही नहीं होते हैं। जी जी तो GA का लेवल क्या होता है, और आपने GA पढ़ाई कब शुरू की, क्या प्री के बाद की या पहले से आप कर रहे थे? सर, GA का मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं GA ही करता हूँ हमेशा रोज, अच्छा, मतलब GA को सबसे ज्यादा टाइम GA को दिया है मैंने। मतलब GA तो रेगुलर कर रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर से भी, जब से स्टार्ट किया ना, मैं रेगुलर ही कर रहा हूँ GA, कभी छोड़ा नहीं मैंने ठीक है, ठीक हमेशा। मतलब डेली मंथली जो भी PDF आती है सब रिवाइज कर लेता हूँ टाइम से। और आपकी सर जीत मैगजीन अभी जो आने लगी है, उससे काफ़ी क्वेश्चन बने मेरा तो एग्जाम में, और उसको मतलब रिवाइज करके जाता हूँ यार, हर एग्जाम से पहले उसी को रिवाइज करता हूँ, उससे बढ़िया बन जाता है। और मतलब मेंस के बाद, प्री के बाद अगर करते हैं ना, तो उससे फिर इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते, और वो डीप में, आजकल डीप में बहुत क्वेश्चन पूछने लग गया, तो वो इतनी डीप में पढ़ाई नहीं हो पाती मेंस के बाद, तो मेरे हिसाब से तो। आपके 22 नंबर आए हैं तो इसने भी मेरिट में आने को काफी हेल्प की, क्योंकि एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी सर उसके 12 ही काफी नंबर आए हैं केवल उसमें GA में, हालांकि सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपके 22 नंबर ने काफी आपको हेल्प की होगी आपके मेरिट तक पहुंचने में।
अब ये आपकी मेहनत है, उसमें कोई निश्चित, दूसरी बिल्कुल बातें नहीं है। बिल्कुल। तो हरीश, आपने अपनी पूरी जर्नी बताई, अब जरा मुझे एक लास्ट में एक बात बताइए, आप अपनी पूरी जर्नी कैसे देखते हैं? मतलब आप पहले ग्रेजुएशन में रहे होंगे, आपने क्या सोचा होगा अपनी लाइफ के बारे में? आज आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुके हैं, आपके पेरेंट्स क्या रिएक्शन थे जब आपका रिजल्ट आया? आपकी माता जी का सपोर्ट क्या था, पेरेंट्स सपोर्ट क्या था, किसने आपको सपोर्ट किया बहुत, जब आप इस मौके पर, सब बताइए इसके बारे में। सर पेरेंट्स तो मेरे मतलब हमेशा ही सपोर्ट करते हैं कि मतलब लगना है गवर्नमेंट जॉब ही लगनी है, लेकिन मतलब हमेशा ही ऐसे सपोर्ट करते हैं कि ये नहीं कि कुछ चीज़ के लिए मना कर देते हैं। हमेशा जो भी बोलता हूँ लेके ले आते हैं, घर पे ही बैठा रहता हूँ मैं, पढ़ाई करते हैं जब, और सब कुछ मतलब घर पे मिल जाता है, सब सपोर्ट वगैरह अच्छा है सर। जब बताया मैंने तब भी बढ़िया रिएक्शन था बिल्कुल, और फिर शाम को मिठाई वगैरह लेके आए थे घर पे और फिर वो खाए थे बिल्कुल। फैमिली में कौन कौन है, पेरेंट्स आपकी और मतलब मम्मी पापा और? सर दो भाई हैं और दादाजी हैं मेरे। हाँ तो आप लोग तीन भाई हैं सर, मतलब, जी सर, और दो मतलब बड़े हैं छोटे कौन है, मतलब बड़े हैं छोटे हैं भाई कैसे? एक भाई बड़ा है, एक छोटा है, मैं भी छोटा बड़े भाई करते हैं आपके? वाला भी। बड़ा वाला तो सर वो दिल्ली में जॉब करता है, वो प्राइवेट ही कर रहा है। और छोटे वाले? हाँ वो क्या, छोटे वाले भी इंजीनियरिंग कर रहा है वो सर, उसकी फोर्थ ईयर लास्ट ईयर है बीटेक में। मंझले भैया हैं आप हाँ, घर के मंझले नहीं लोग बड़े अच्छे होते सर, हैं। तो नहीं हरीश, अब आगे करना क्या, सर, आगे मतलब अभी तो आप क्लर्क पे अपॉइंट हुए हैं, क्या सोचना है आपका? सर अभी तो मेरे को मतलब मेरा फाइनल गोल तो SBI है बिल्कुल, मतलब उसी को लेना है मेरे को, उसी में लगना है। और अभी अभी अगर क्लर्क में लगना है तो क्लर्क में लग जाऊंगा, लेकिन अगले साल PO भी निकालना है बिल्कुल, मतलब श्योरिटी से निकालना है ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप RBI ग्रेड भी निकालिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हमारा सपना है आपके लिए। आप कहते हैं मैं थोप यस रहा हूँ सर, जरूर वेरी करेंगे, गुड। जरूर। हरीश, आपने बड़े अच्छे से बातें बताई, बड़े प्यार से आपने मदद समझाई अपने, और मुझे लगता है कि आपका वीडियो देखकर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो सीखेंगे जरूर। एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे विद्यार्थियों को? सर मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका नहीं निकलता है तो उसमें उसमें उदास होने का कुछ नहीं है। मतलब मेरे तो बहुत सारे अटेम्प्ट में नहीं निकला है, मैं 0.25 नंबर से रह चुका हूँ मेंस में भी लास्ट में जाके, तो मुझे पता है उसके बाद नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है पढ़ने का, लेकिन वो अपन छोड़ नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि अगर अभी से छोड़ने लग जाएंगे तो फिर बाद में जाके बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सारी लाइफ इसी पर डिपेंड करती है अपनी, तो उसको छोड़ने का बिल्कुल ही नहीं है और हमेशा बिल्कुल करते रहने का है, और अपने मतलब अपने ऊपर विश्वास रखे कि निकल जाएगा आराम से। पेपर मेरा भी निकला है, मैं तो कभी मैथ में इतना बढ़िया भी नहीं हूँ, लेकिन निकल जाता है ढंग से, अगर प्रिपेयर करेंगे तो आराम से निकलेगा पेपर। और मेन मतलब मेरा ये कहना है कि मतलब मेरी स्ट्रेटेजी हिसाब से GA इज वेरी स्कोरिंग, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो उससे काफ़ी नंबर निकल आते हैं। यस आपको याद है आपसे मेरी बात हुई जयपुर में? तो सर बिल्कुल। दोस्तों ये मिले जयपुर थे सर, आया मिले था, थे। हाँ ये जयपुर में गया था, तो जयपुर ही आए थे मिलने के लिए हम लोगों से। तो पहली बार मैंने बोला कि सर मैं हरीश, तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, सुन ही नहीं पाया मैं, तो बैठे बैठे बात करते हैं तुमसे। फिर बाद में बाहर मिला, मैंने इन्हें बताया, तो अरे यार वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो हरीश, मैं बड़ा खुश हूँ आपके लिए कि आपका सिलेक्शन हुआ, और आई विश कि आपका जो भी ड्रीम है, SBI हो, RBI ग्रेड भी, आप पूरा करिए, लाइफ में खूब आगे बढ़िए, और हमेशा में याद रखिएगा। थैंक यू सर, बिल्कुल रखेंगे। अभी आपके पास आना है सर, अभी मिठाई लेके आएंगे घर पे आपके। थैंक मैं वेट करूंगा। थैंक यू सो मच हरीश, थैंक यू सो यू मच, सर, आप आए, और बधाई फिर से आपको एक बार कि आपने सिलेक्शन ले लिया, और खूब आगे बढ़िए, खूब आगे थैंक बढ़िए, यू सर, थैंक यही यू। हमारी भगवान से एक प्रार्थना है। थैंक यू सो मच हरीश, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू।